नमस्कार दोस्तों, नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम और धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली अस्पताल की तरफ से आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है और इस डे को सेलिब्रेट करने में और जनता में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश वर्मा। ही इज़ द डायरेक्टर प्रोफेसर इन चार्ज ऑफ नॉर्दर्न इंडिया क्लिनिकल लीड फॉर डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पाइन सर्जरी। उनके साथ है डॉक्टर ललित, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन विद अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम पीजीआई चंडीगढ़ एंड एम्स, एंड ही इज अ स्पाइन सर्जन एंड अ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। टू माई लेफ्ट वी हैव डॉक्टर मोहित अरोड़ा, ही इज अ पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन और ये पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स के अलावा हैंड सर्जरी, नी सर्जरी एंड स्पोर्ट्स सर्जरी इस सब में ट्रेन है। एंड फाइनली मैं डॉक्टर मोनू सिंह, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन जॉइंट रिप्लेसमेंट आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन। तो दोस्तों, आज इस वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पर हम लोग कुछ चर्चा करना चाहते हैं कि ये कंडीशन क्या है, आर्थराइटिस किस चीज़ को कहते हैं, आर्थराइटिस से हमें क्या दिक्कत आती है, कैसे ये हमें परेशान करती है ये कंडीशन, और इससे निदान पाने के लिए हमारे पास क्या क्या उपाय हैं। तो सर, मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा हमारे श्रोतागण को, आप प्लीज़ बताएं कि ये वर्ल्ड आर्थराइटिस डे क्या है और आर्थराइटिस क्या चीज़ है। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, जैसे आपने बताया कि हर वर्ष हम 12 अक्टूबर को इसको सेलिब्रेट करते हैं, और लास्ट 3 ईयर्स से इसका थीम है कनेक्ट एंड कम टुगेदर वेरी फास्ट, लाइक यू शुड नॉट डिले, डोंट डिले एंड कनेक्ट। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड आर्थराइटिस डे फॉर लास्ट 3 ईयर्स। सो इसमें जो मेन फोकस रहा है लास्ट 3 ईयर्स से, वो रहा है रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, उसके बारे में। पर जैसा कि हम सब जानते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि एक एज रिलेटेड बीमारी है, वो सबसे ज़्यादा कॉमन है हमारे कॉन्टिनेंट में भी और पूरा एशिया और हर जगह है। मैं तो ये कहूँगा कि नी प्रॉब्लम जो है ओपीडी में जो हम पेशेंट देखते हैं, वो सबसे कॉमन बीमारी है। दूसरी तकलीफ जो है कमर दर्द से रिलेटेड है। अगर हम दो तरह के पेशेंट को ही देखें तो 70-80% जो हमारा पेशेंट पॉपुलेशन है वो इन दो तकलीफ से होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है एज रिलेटेड है। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, जैसा कि मैं इस मॉडल के द्वारा बताना चाहूँगा कि हमारा जैसे घुटने का भी एग्जाम्पल लें तो ये दो बोन से बनता है, थाई बोन फीमर और लेग बोन टिबिया। इसके जो एंड्स पे जो स्मूथ स्ट्रक्चर होता है जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, उसको कार्टिलेज बोलते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाता है, और जैसे ही कार्टिलेज घिसता है तो वो बोन को एक्सपोज कर देता है, और बोन जैसे ही बोन के टच में आती है तो वो पेन का कारण बन जाती है। 60-70 ईयर्स के बाद काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है इसमें, और इससे निदान के लिए हम डॉक्टर मोनू से ही जानना चाहेंगे कि ये कितने तरह की आर्थराइटिस होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के अलावा और क्या क्या कारण है आर्थराइटिस के, कौन से जोड़ सबसे ज़्यादा कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं, और कैसे हम इसको अप्रोच करते हैं, डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं। बिल्कुल सही सर, आर्थराइटिस बहुत कॉमन तकलीफ है। आर्थराइटिस का जो सार हम कहें वो जोड़ों का घिसन या जोड़ों में सूजन। नाउ कोई भी जोड़ जो ज़्यादा इस्तेमाल होगा वो ज़्यादा घिसेगा, ये एक सिंपल सा मैकेनिकल फॉर्मूला है। हम इंडियन लोग अपने घुटनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कई बार उनका दुरुपयोग भी करते हैं। तो इंडियंस के अंदर हम देखते हैं कि आर्थराइटिस जो घिसन है, मैकेनिकल वेयर एंड टेयर है, वो सबसे ज़्यादा घुटनों में पाई जाती है। घुटनों के अलावा रीढ़ की हड्डी, अंगूठे, गर्दन, कंधे, ये सारे जॉइंट ऐसे हैं कि जिनके अंदर घिसन ज़्यादा होती है, क्योंकि ये हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पर इसके अलावा बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशन है, और दो स्पेसिफिक सिचुएशन जो मैं आज हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं तो जो मैं पूछना चाहूँगा, पहले डॉक्टर ललित, स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, उसके बारे में आप हमें बताएं, उसमें आर्थराइटिस का क्या असर रहता है। थैंक यू डॉक्टर मोनू। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा स्पाइन जो है कई लेवल पर डिस्क और उसके बीच में बोन से बना हुआ होता है,
और इसके बीच में एक मैं इससे आपको दिखाना चाहता हूँ जिसमें दो बोन होती हैं ऊपर और नीचे और बीच में डिस्क होती है और पीछे दो जॉइंट्स और होते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो मोस्ट कॉमन क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है नी के अलावा या अदर जॉइंट्स के अलावा स्पाइन पेन बढ़ने लगता है और उसमें एक कॉमन कॉज है हमारा स्पाइन की आर्थराइटिस। इसमें जो स्पाइन के जॉइंट्स हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, उनमें हड्डियाँ बढ़ने लगती हैं और ये दर्द करने लगता है और ये शुरू होता है हमारा डिस्क डैमेज के साथ और उसके साथ साथ ये भी दिक्कतें आ जाती हैं। मोस्ट कॉमन कॉज इनमें जो है मेनली जो है ओवर यूज़ भी है, चोट भी है और एक जो हम ओल्ड एज में देखते हैं वो एज रिलेटेड है सर, दीज आर द मेन। तो जो हम यंग पेशेंट्स में देखते हैं डॉक्टर ललित, कई बार हम खुद हैरान हो जाते हैं देख के सीटी एमआरआई एक्सरे की, यार इतनी कम उम्र है और ऐसे जोड़ खिंच गए, क्या उसकी कोई खास वजह होती है? सर अगर कमर में हो रहा है तो हमें जो है खास तौर पे यंग पेशेंट्स में एक स्पेशल टाइप की आर्थराइटिक प्रॉब्लम होती है जिसे हम जो है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो हमारा सेंटर वाला जो पोर्शन होता है उसके जॉइंट्स में सबसे ज़्यादा बदलाव आते हैं, जैसे कि हमारा सैक्रोइलियक जॉइंट्स और हमारे स्पाइन के जॉइंट्स, उनमें बदलाव आते हैं, उनमें चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से ये खास तौर पे ये यंग पेशेंट्स में होता है। हमारी जो पेशेंट पॉपुलेशन जहाँ हम ओपीडी में देखते हैं काफ़ी लंबी उसका स्पेक्ट्रम रहता है, छोटे बच्चों से लेके एकदम बड़े बूढ़ों तक। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा डॉक्टर मोहित, जो बच्चे हैं क्या वो भी इस तकलीफ से ग्रस्त हो सकते हैं या उनमें कोई खास तकलीफ होती है? जी डॉक्टर मनु, बच्चों में भी जो आर्थराइटिस है वो का पाया जाता है। सबसे कॉमनली अगर बच्चों में आर्थराइटिस हो रहा है, जिसको हम बच्चों का गठिया बोलते हैं या इंग्लिश में जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, उस कारण की वजह से वो जॉइंट अगर इन्वॉल्व करेगा, जैसे कि आपके घुटने को इन्वॉल्व करेगा, तो उसमें भी बच्चों में आर्थराइटिस जो है वो जल्दी उम्र में हो जाता है और जैसे जैसे बड़े होते हैं 20 साल 25 साल 30 साल में, तो उनके जोड़ भी ऐसे हो जाते हैं घिसके के जो कि एक 60 साल के व्यक्ति के होते हैं। दूसरा कारण बच्चों में होता है कि अगर बच्चों में चोट लग गई है जिसमें कि फ्रैक्चर हो गया और जो फ्रैक्चर जोड़ के थ्रू हुआ है, तो उस केसेस में भी हो सकता है। और कुछ कारण ऐसे होते हैं कि हमारे जो कूल्हे में जैसे आप बचपन से ही जिसमें प्रॉब्लम होती है, जैसे कि पर्थीज डिजीज हो गया या फिर डिसलोकेशन हो गया, जो बच्चे जिनका कूल्हा बचपन से ही निकला हुआ होता है जिसमें बनावट में कुछ फ़र्क होता है नॉर्मल बच्चे से, उन बच्चों में ये देखा जाता है कि जब वो बच्चे बड़े होते हैं धीरे धीरे, अगर उनका सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लिया गया तो उन बच्चों में छोटे से छोटे उम्र यहाँ तक कि 10 साल 12 साल की उम्र में ही आर्थराइटिस उनमें पाया जाता है। अदरवाइज बच्चों में इतना बाकी किसी कारण से ऐसे कुछ कॉमन नहीं है। जो हम जो डॉक्टर मोनू ने डीजेनरेटिव आर्थराइटिस की बात करी है वो एज के साथ ही होता है, वो मैकेनिकली होता है जैसा कि उन्होंने बताया है। धन्यवाद सर। तो कहने का तथ्य ये हुआ कि छोटे बच्चे से लेके बड़ी उम्र के बड़े बूढ़ों तक किसी के भी जोड़ में सूजन आ सकती है या जोड़ खिस सकते हैं। अब इनके कई वजह कई कारण होते हैं, पर इससे पहले कि हम ये सोचें कि किस वजह से ये हो गया, हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। ऐसे क्या कारण हैं कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती है, ऐसे क्या उपाय हैं कि जो हम इस्तेमाल करें डे टू डे लाइफ में कि हमारे जोड़ स्वस्थ रहें हेल्दी रहें। इस चीज़ के लिए मैं चाहूँगा कि हमारे सीनियर डॉक्टर राजेश वर्मा अपना एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर करें। डॉक्टर वर्मा हैज़ लेक्चर्ड इमेंसली, कई जगह जाके इन्होंने ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर। सर से बेहतर मुझे नहीं लगता कि इस इलाके में कोई और व्यक्ति होगा जो हमें ये सीख दे पाएगा। सर प्लीज। थैंक यू। बचाव के लिए मैं सबसे ज़रूरी कहना चाहूँगा कि रेगुलर एक्सरसाइजेज का जितना बड़ा रोल है और किसी भी चीज़ का नहीं है, चाहे वो नी की आर्थराइटिस है, हिप्स की आर्थराइटिस है, शोल्डर की है या स्पाइन की है। प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर केयर ऑफ पोस्चर एंड बॉडी वेट रिडक्शन, एडिक्वेट बॉडी वेट का जितना इम्पोर्टेंस है वो किसी भी चीज़ का नहीं है। अगर आपका वजन आपके लिमिट्स के अंदर है तो घुटनों पे दबाव कम पड़ेगा, घुटनों के कार्टिलेज का डैमेज कम होगा और धीरे धीरे करके ना आप इससे बच सकते हैं बट इसका इलाज भी कर सकते हैं। मेरे पास 200 से ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स हैं
जिनको सर्जरी की ज़रूरत है बट उन्होंने कहना मानकर प्रॉपर एक्सरसाइज करके बॉडी वेट रिड्यूस करके प्रॉपर एक्सरसाइज करके ना ओनली ठीक हो गए बट उनको सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि आजकल जो हमारे देश में ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको डिफरेंशिएट करना भी बहुत ज़रूरी है ऑस्टियोआर्थराइटिस से। सभी लोगों का बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है लेमेन में कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस क्या ये दोनों एक ही चीज़ है या अलग अलग है। दोनों शुरू ऑस्टियो से ही होते हैं जिसका मतलब बोन है, बट आर्थराइटिस इज पेनफुल, ऑस्टियोपोरोसिस इज ए साइलेंट किलर। एंड ऑस्टियोपोरोसिस पेनफुल तभी होती है जब बोन्स में फ्रैक्चर हो जाते हैं। बट इनका कोरिलेशन कैसे हम बना सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ऑस्टियोपोरोसिस होता है बोन के एंड्स वीक हो जाते हैं, कार्टिलेज का नरिशमेंट कम हो जाता है और कार्टिलेज को पूरा अगर नरिशमेंट नहीं मिलेगा तो उसका डीजनरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बचाव के लिए मेरा तो ये मानना है कि सबसे ज़रूरी है आप अपना वेट कंट्रोल में रखें, प्रॉपर एक्सरसाइजेस करें, और एक्सरसाइज में भी क्या देखते हैं कि जिन्होंने कभी लाइफ लॉन्ग योगा नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं की, वो एकदम से एक्सरसाइज या जिमिंग करना शुरू कर देते हैं, उससे भी जो ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स होते हैं उनका बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आजकल जो वीकेंड वॉरियर्स की हम बात करते हैं वो डेली शोल्डर डैमेज करके आते हैं, नी डैमेज करके आते हैं, और जैसे डॉक्टर मोहित ने बताया कि कोई चोट लगने की वजह से जो आर्थराइटिस होती है उससे बचने का भी यही तरीका है। जैसे ही अगर आपको इंजरी होता है, चोट लगती है, तो प्रॉपर उसका एक्सरे एमआरआई करवा के कोई कार्टिलेज डैमेज है उसका दूरबीन से ऑपरेशन करना है या कोई विस्को सप्लीमेंट इंजेक्शन लगा के उसको ठीक करना है, टाइमली उसको ठीक कर लें। जैसे छोटी से छोटी तकलीफ होती है, नी के अंदर मेनिस्कस डैमेज होता है, अगर उसको टाइमली हम कंट्रोल ना करें या ACL डैमेज हो गया उसको ठीक से अगर इलाज ना करें तो ऐसे पेशेंट से बहुत जल्दी आर्थराइटिस हो जाता है। तो कोई भी अगर ट्रॉमेटिक इंसिडेंट होता है उसको करेक्ट करना ज़रूरी है। दूसरा जो कारण है रूमेटॉइड आर्थराइटिस या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, इनको भी एग्रेसिवली ट्रीट करना चाहिए। अगर एक बार सेकेंडरी डैमेज कार्टिलेज में हो गया तो उससे रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये कॉमन तरीके हैं, कॉमन हमें इनका चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद सर। तो बेसिकली बॉस का कहना ये है कि अगर ट्रक ओवरलोडेड है तो सब फट्टे कमानी और टायर सब निबट जाएंगे, क्यों डॉक्टर ललित? तो थोड़ा सा हमें वी शुड गेट मोर सीरियस अबाउट आवर हेल्थ। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ ये कहने की बात नहीं है, बट इट इज़ अ स्ट्रांग बिलीफ, हम इस चीज़ में बहुत तगड़ा विश्वास रखते हैं। और जैसे कि डॉक्टर वर्मा ने हमें बताया, तकरीबन 200 मरीज ऐसे हैं कि जिनकी काउंसलिंग के बाद वजन कम करने से वो उनके घुटने और कमर का दर्द ख़त्म हो गया और उनकी सर्जरी नहीं हुई, वो सर्जरी से बच गए। तो दो चीज़ों का, वजन का और पॉस्चर का, बहुत अहम रोल है हमारे जोड़ों को बचाने में। डॉक्टर ललित, हम फ्रीक्वेंटली ऑपरेशन करते हैं घुटने के लिए, कूल्हे के लिए, और ओल्ड पॉपुलेशन में हम स्पाइन आर्थराइटिस के लिए सर्जरी करते हैं। क्या कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम इन लोगों की सर्जरी बचा पाएँ, क्या आप उस पर कुछ प्लीज़ एक्सपर्ट कमेंट दीजिए? बिल्कुल सर, जैसे कि आर्थराइटिस स्पाइन के अलावा नी में हम कॉमनली हम देखते हैं, इनमें बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि हम इनकी सर्जरी बचा पाएँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जैसे कि डॉक्टर राजेश वर्मा ने बताया कि जो है अगर हम अपना वजन कम कर लें, केवल 200 लोग ही नहीं, 2000 ही नहीं, इवन 2,00,000 सर्जरियाँ भी हम बचा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है एक्सरसाइजेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा जो है, जो कि हम सर्जरी के अलावा मिनिमल इन्वेजिव हम जैसे बोलते हैं, जॉइंट्स में हम जो है नीमे विस्को सप्लीमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं जिससे कि उनकी लाइफ बढ़ जाती है। हम ये नहीं कह सकते कि उससे जो है आर्थराइटिस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, पर ये बात बिल्कुल सही है कि हम कुछ सालों के लिए या कुछ टाइम के लिए सर्जरी हम ज़रूर बचा सकते हैं। स्पाइन में हम जो है इंजेक्शन से जो है पेशेंट्स की कभी कभी हमेशा के लिए, कि एक इंजेक्शन से पेशेंट्स को फिर उसके बाद दिक्कत ही नहीं होती है, कभी 2 या 3 इंजेक्शन से हम जो है पेशेंट्स की सर्जरियाँ बचा पाते हैं और पेशेंट्स जो है उससे काफ़ी बेटर फील करते हैं। थैंक यू सर। डॉक्टर मोहित, ये विस्को सप्लीमेंटेशन क्या चीज़ है? अभी डॉक्टर ललित ने हमें बताया कि हम ये टेक्निक अगर इस्तेमाल करें तो सर्जरी बच सकती है। ये विस्को सप्लीमेंटेशन के बारे में हम चाहेंगे आप हमें थोड़ा सा बताएं, और साथ में ये भी बताओ
कि जो बच्चे हैं या यंग एडल्ट्स हैं उनको कैसी हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करनी चाहिए कि जो आर्थराइटिस से बचे रहें। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर मोनू। पहले बात करते हैं विस्को सप्लीमेंटेशन की। तो विस्को सप्लीमेंटेशन मतलब विस्को सप्लीमेंटेशन दो वर्ड्स है, विस्को एंड सप्लीमेंटेशन। विस्को इज जो हमारे घुटने में जो विस्कस एक मटेरियल होता है जो लुब्रिकेशन में काम आता है, जो कि दो जैसे कि डॉक्टर वर्मा ने बताया कि घुटने का जो जॉइंट है घुटना है वो फीमर और टिबिया के उस पर बनता है, तो उन दोनों में जब मूवमेंट होती है तो एक मूवमेंट फ्रिक्शन फ्री रहे उसके लिए लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारा फ्लूइड होता है नॉर्मली हर बंदे में प्रेजेंट होता है सिनोवियल फ्लूइड। तो हम विस्को सप्लीमेंटेशन में उसको ऑगमेंट करते हैं, उसको बाहर से देते हैं, उसमें कि आप इंजेक्शन के तौर पे उसमें लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो मूवमेंट है वो फ्रिक्शन फ्री बनी रहे, पेशेंट को पेन नहीं हो, क्योंकि पेन हमें हमारा जो मेन एम है आर्थराइटिस के पेशेंट्स में पेन कम करना है, जिससे कि दे स्टार्ट मूविंग अप एंड अबाउट, ताकि एक्सरसाइजेज वॉक करना ये सब उनकी जो लाइफ डेली रूटीन एक्टिविटीज़ हैं वो रुके नहीं। दूसरा तरीके का एक इंजेक्शन होता है जिसे कि हम बोलते हैं PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जिसमें कि जो हम लोग पेशेंट से ही पेशेंट के ही खून को लेके उसी के से ही हम उसमें कण होते हैं जो कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जिसमें कि ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उसको सेपरेट करके और नी जॉइंट में उसी को ही इंजेक्ट करते हैं, जिसमें पाया जा गया है कि जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के अंदर जो कण हैं जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो आपकी कार्टिलेज की ग्रोथ को एक तो ना ही उसको डैमेज होने से रोकते हैं और उसकी ग्रोथ को जो है एक्सेलरेट करते हैं, जिससे कि आपका जो लुब्रिकेशन है जो जॉइंट का जो मेन जो स्ट्रक्चर है वो बना रहे। तो विस्को सप्लीमेंटेशन का तो ये बात होगी। दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बच्चों में कैसे बचाया जा सकता है, तो बच्चों में आर्थराइटिस हालांकि इतना कॉमन नहीं है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर बच्चों को जॉइंट का पेन हो रहा है जो बच्चों में गठिया जिसे बोलते हैं, सबसे पहले है कि उसका डायग्नोसिस एज अर्ली एज पॉसिबल किया जा सके। इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा है जिसको कि 6 हफ्ते से पेन हो रहा है जॉइंट में, जिसमें कि मॉर्निंग स्टिफनेस यानी कि जब बच्चा सुबह उठता है तो उसको दर्द होता है जोड़ में, और या फिर उसको स्पाइन में भी दर्द होता है, सुबह उठने पे ज़्यादा दर्द होता है और शाम को जो है वो दर्द कम हो जाता है, तो ऐसे बच्चे को इमीडिएटली अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना चाहिए, जिससे कि पहले डायग्नोसिस बने कि उसको गठिया की प्रॉब्लम है या नहीं है, और उस प्रॉब्लम अगर वो निकलती है तो उसमें सबसे पहला उसका इलाज है कि जैसे डॉक्टर वर्मा ने बताया कि हम आजकल एग्रेसिवली ट्रीट करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा बेड रिडन रहे या फिर कोई भी बच्चे को डिसेबिलिटी आए, तो उस केस में हम दवाइयां शुरू करते हैं जल्दी से जल्दी और उसका इलाज शुरू करते हैं, ताकि पेशेंट का जो प्रोग्रेशन है डिजीज़ का जो कि उसका डैमेज है वो कंटेन कर सकें, वो मिनिमाइज कर सकें, जिससे कि बच्चे जो हैं अप एंड अबाउट हो सकें। थैंक यू। ये तो हुई बात आर्थराइटिस को रोकने की, एक हेल्दी हैबिट अपनाने की, अगर कोई तकलीफ हो तो तुरंत एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेने की। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि देर इज़ अ थीम, यू मस्ट नॉट डिले, डोंट डिले एंड कॉन्टैक्ट अर्ली, यू शुड बी एबल टू रीच योर ऑर्थोपेडिक सर्जन। नेगलेक्ट ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे समझें कि तकलीफ क्या है, उसका क्या इलाज संभव है, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। जैसे कि हम अक्सर अपनी ओपीडी में देखते हैं कि पेशेंट्स उस स्टेज पे हमारे पास आते हैं जब उनके घुटने या कूल्हे एकदम घिस चुके हैं, निबट चुके हैं, जिनका अब बिना सर्जरी के इलाज संभव नहीं है। तो ये जो पेशेंट्स हैं जिनके अंदर सर्जरी की आवश्यकता है, मैं जानना चाहूँगा अपने बॉस से कि इन पेशेंट्स के अंदर किस टाइप की सर्जरीज होती है सर, इसके आजकल क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हम देख रहे हैं, और ऐसा क्या है जो खास है नारायणा में जो हम अपने मरीजों को पेश कर सकते हैं प्लीज। जहाँ तक सर्जरी का सवाल है, सबसे कॉमन सर्जरी जो एस्टेब्लिश्ड नी आर्थराइटिस है, जिसको सीवियर आर्थराइटिस बोलते हैं, जिससे कि आप इतना दर्द है, घुटने टेढ़े भी होने शुरू हो गए हैं और वॉकिंग इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि इवन 10 मिनट भी नहीं चला जाता। तो बिफोर गोइंग टू द सर्जिकल पार्ट, आई वुड लाइक टू डिफाइन कि किन पेशेंट्स में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। एज वी ऑल नो, एक्सरे में सीवियर आर्थराइटिस दिखाती है, बोन टू बोन डिजीज हो जाए और घुटना जो सीधा होता है वो टेढ़ापन आ जाए। इन केसेस में भी ज़रूरी नहीं है कि सर्जरी करनी पड़े,
सर्जरी कभी भी घुटने को सीधा करने के लिए टेढ़ापन के लिए नहीं होती है, ये पेन रिलीफ के लिए होती है। समटाइम्स हम देखते हैं कि पेशेंट को हफ्ते 10 दिन में एक बार टैबलेट की ज़रूरत पड़ती है और वो काम अपना चला पाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक्सरे को ही हमें ट्रीट करना है, पेशेंट की डिमांड्स के ऊपर हम सर्जिकल डिसीजन लेते हैं। जहाँ तक सर्जरी का सवाल है, कई तरह की सर्जरीज होती है। आजकल हम यूनिकोंडाइल और नी रिप्लेसमेंट भी काफ़ी करते हैं, जो कि रिलेटिवली यंग पेशेंट्स में करते हैं। घुटने के अंदर अगर आप देखेंगे तो दो कंपार्टमेंट तो सामने वाले घुटने में होते हैं, एक अंदर वाला मीडियल और एक लेटरल कंपार्टमेंट। एक जो नी कैप होती है, पाली की हड्डी होती है, उसको तीसरा कंपार्टमेंट बोलते हैं। तो अर्ली जो पेशेंट्स आते हैं उनमें सबसे कॉमनली मीडियल कंपार्टमेंट आर्थराइटिस होती है, एंटीरो मीडियल कंपार्टमेंट आर्थराइटिस। ऐसे पेशेंट्स में हम छोटा सा इंसिजन देके 4 से 8 सेंटीमीटर के करीब इंसिजन देके आधा घुटना हम चेंज करते हैं और इसमें कोई भी लिगामेंट का डैमेज नहीं होता। सबसे अच्छी बात यह है कि पेशेंट्स पूरी तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्क्वाट भी कर सकते हैं, ज़मीन पर भी बैठ सकते हैं, टेनिस भी खेल सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना सब कुछ ईजीली कर सकते हैं। और इसकी लाइफ भी आजकल नए इम्प्लांट्स की वजह से बहुत अच्छी है, 15 से 20 साल तक इसमें चलता है। दूसरा नी रिप्लेसमेंट होता है कि कंप्लीट नी रिप्लेसमेंट करते हैं, उसमें भी ऐसा नहीं है कि हम पूरी बोन को काट के पूरा घुटना चेंज करते हैं, बट जो डैमेज पार्ट होता है उसको बड़े ही प्रिसाइज तरीके से कंप्यूटर नेविगेशन के हिसाब से हम 6 कट्स लगा के उसको नी के सिर्फ सरफेस होता है उसको चेंज करते हैं। साइड के जो सपोर्टिंग लिगामेंट्स होते हैं उनको कभी भी हम नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और पेशेंट टिपिकली अगले दिन से ही चलना शुरू कर देता है। पेन मैनेजमेंट के लिए भी हम यहाँ पर काफ़ी मेहनत करते हैं, हमारा एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट है, पेन मैनेजमेंट जो प्रोटोकॉल्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि सबसे कॉमनली मैंने देखा है कि नी रिप्लेसमेंट लोग इसीलिए डरते हैं कि ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा दर्द होगा। बट अगर आपके पास अच्छा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है और पेन मैनेजमेंट के लिए अच्छी दवाइयाँ हैं, कंप्यूटर से हम इंजेक्शन दे सकते हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छा रहता है। तो यही है कुछ एक चीज़ें हैं हमारे पास। इन्फेक्शन का हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि इन्फेक्शन ना हो। पोस्ट ऑपरेटिव प्रोटोकॉल्स इतने हैं अच्छे हैं कि पेशेंट को दर्द भी कम होता है और एक्सरसाइज का बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रख के हम बहुत अच्छे रिजल्ट दे पा रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर ने हमें बताया। जो हिस्सा जोड़ का ख़राब हो सिर्फ उस हिस्से को टच किया जाए और रिप्लेस मतलब कवर किया जाए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे जोड़ को काटो, ये कोई ज़रूरी नहीं है आप लंबा चीरा दो। सर्जरी प्रिसाइज होनी चाहिए, सर्जरी सिर्फ उस चीज़ की होनी चाहिए जिस चीज़ में खराबी आ रही है। तो टेक्नोलॉजी की मदद से आज हम सिर्फ उतना ही हिस्सा बदलते हैं या रिप्लेस करते हैं, रिसर्फेस करते हैं जिसमें दिक्कत हो। बाकी कोशिश ये रहती है कि हम पेशेंट का जो नेचुरल लिगामेंट बोन कार्टिलेज सरफेस है वो हम सब प्रिजर्व करें। बट कुछ ऐसे भी ऑपरेशंस हैं, कुछ ऐसी भी सर्जरीज हैं जो हम लोग करते हैं और उन पेशेंट्स में करते हैं जो थोड़ा जल्दी आते हैं हमारे पास, जहां हम कोशिश करते हैं कि उनका जोड़ बचा रहे। डॉक्टर ललित हमें बताएंगे ऐसी कौन सी सर्जरीज हैं और उनका क्या फ़ायदा रहता है। डॉक्टर ललित प्लीज। थैंक यू सर, मैं बताना चाहूँगा स्पेशली अगर हम नी की बात करें, इंजेक्शंस और जॉइंट रिप्लेसमेंट के बीच में एक सर्जरी आती है जिसको अलाइनमेंट करेक्टिव सर्जरीज बोलते हैं। उसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्जरी है HTO, जिसे बोलते हैं हम जो है हाई टिबियल ऑस्टियोटमी। उससे हम कुछ खास पेशेंट्स में कर पाते हैं, खासतौर पे जिनकी एज कम है, केवल जॉइंट्स का एक ही कंपार्टमेंट खराब है और पेशेंट्स को ट्रबल केवल वही हिस्सा कर रहा है। उसमें हम क्या करते हैं कि जॉइंट्स का अलाइनमेंट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जिससे कि वजन जो पहले मिडिल कंपार्टमेंट पर आ रहा था वो लेटरल कंपार्टमेंट पे चला जाएगा। इसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ है, इसमें सिर्फ हमने करेक्शन कर दी है अलाइनमेंट की, जिससे हमारी की वजन डालने की जो की वजह से जो पेन मिडिल कंपार्टमेंट पे हो रहा था वो लेटरल कंपार्टमेंट में चला जाता है और पेशेंट्स के करीब करीब 10 से 15 साल आगे जॉइंट रिप्लेसमेंट के बगैर भी वो चल सकता है। कहने का मतलब समथिंग लाइक जैसे गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं व्हील अलाइनमेंट, अगर हम कहें तो व्हील अलाइनमेंट, अगर हम अलाइनमेंट गाड़ी का ठीक नहीं करते हैं तो वो टायर एक तरफ से घिसने लगता है। सेम ऐसे ही आर्थराइटिस के पेशेंट में हम नी का अलाइनमेंट ठीक करके हम लोडिंग बराबर कर देते हैं, जिससे पेशेंट्स पेन फ्री हो जाता है और वो अपनी नी की लाइफ कुछ
सालों के लिए और बढ़ा सकता है, जो कि 10 से 15 साल तक भी हमने देखा गया है कि उनको कभी भी कोई समस्या नहीं हुई है। That's fantastic. मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर घुटना घिस रहा है, जोड़ खराब हो रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि रिप्लेसमेंट किया जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी कि जो हम रिप्लेसमेंट से पहले कर सकते हैं। कई एक्साइटिंग टेक्निक्स हैं, जैसे डॉक्टर मोहित ने हमें बताया, PRP इंजेक्शन, विस्को सप्लीमेंटेशन, जिनसे हम घुटने के अंदर फ्रिक्शन कम कर सकते हैं ताकि उसकी घिसन कम रहे। मैकेनिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं, अलाइनमेंट सीधा कर सकते हैं ताकि घुटना कम घिसे, डॉक्टर ललित ने बड़े क्लियरली हमें बताया। कई ऐसी टेक्निक्स हैं जिनमें हम सिर्फ वो पार्ट जॉइंट का टच करते हैं जो खराब हो रहा है, और नेचुरल पार्ट जो सही है उसको प्रिजर्व करते हैं। तो विथ सो मैनी एक्साइटिंग टेक्नोलॉजीज, विथ सो मैनी डिफरेंट टेक्निक्स, इतना सब कुछ होने के साथ आदमी को चाहिए एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें ट्रेनिंग प्रॉपर हो और कॉम्प्लिकेशन रेट कम से कम रहे। तो मैं चाहूँगा डॉक्टर मोहित कि हमारे दर्शकों को आप प्लीज़ बताइए कि इस डिपार्टमेंट में सेफ्टी, ट्रेनिंग एंड व्हाट स्टेप्स वी हैव टेकन टू रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशन रेट इन एंड स्टेज प्रोसीजर्स में। थैंक यू डॉक्टर मोनू। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है, मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा कि हमारे डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस सर्जन हैं, जैसे कि आप सब मिल चुके हैं। बाकी एक हमारे साथ जो कोलेबोरेशन है फिजियोथेरेपिस्ट की है एंड हमारी जो एनेस्थेटिस्ट की टीम है, सो दे टेक केयर ऑफ द पेशेंट राइट बिफोर द सर्जरी टिल दे अंडरगो सर्जरी एंड इवन आफ्टर दैट, सो दैट दे डोंट हैव एनी पेन इश्यूज। तो हमारे जो एनेस्थेटिस्ट है, क्या वो हमेशा पेशेंट को फुल एनेस्थीजिया देते हैं या हम पेशेंट को सर्जरी के दौरान बात भी कर सकते हैं, उनको दिखा भी सकते हैं? इज इट पॉसिबल? सो हमारे जो एनेस्थेटिस्ट हैं वो मरीज को कमर में एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कि कमर से नीचे का हिस्सा सुन हो जाए और उसमें ताकि सर्जरी हो सके। उस टाइम पे पेशेंट बिल्कुल अवेक होता है, जगा हुआ होता है, बट उसको पेन नहीं हो रहा होता। इसका फायदा ये है कि इससे रिकवरी जो है जल्दी होती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम पेशेंट को बेहोश करते हैं जिसमें कि अलग तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती है। तो ये तरीका बहुत ही सेफ तरीका है, इससे हम पेशेंट को इवन नेक्स्ट डे चला भी सकते हैं बिना किसी इश्यूज़ के, बिना किसी पेन के। दूसरा मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ऑपरेशन थिएटर है वो मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है, स्टेट ऑफ द आर्ट थिएटर है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, जैसे कि आपका हेपा फिल्टर्स लगे हुए हैं, एयर फ्लो स्ट्रीमलाइन एयर फ्लो है, जिससे कि इन्फेक्शन का चांस मैं तो बोलता हूँ कि बिल्कुल ज़ीरो ही है अभी तक फिलहाल। टचवुड, हमारा जो इन्फेक्शन का रेट जो है अभी तक हमारे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। बाकी हम लोग सारा जो OT इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं सब कुछ सारा स्टेराइल तरीके से यूज़ करते हैं। दूसरा, हमारी सर्जरी के टाइम पे जो हमारी मशीन है, नेविगेशन मशीन जो Generation 3 है जो हम यूज़ करते हैं, जो स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन है, जिससे कि जैसे कि सर ने बताया कि टेक्नोलॉजी जो वेरी इट इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दैट वी यूज़, जिससे कि हम पेशेंट को एज क्लोज टू परफेक्शन एज पॉसिबल अलाइनमेंट देते हैं ताकि उनका जो घुटना है जिसकी लाइफ है वो कम से कम 15-20 साल तक प्रोलोंग हो जाए, जिससे कि उन्हें आगे कोई दिक्कत ना हो सके। थैंक यू सो मच। दूसरा मैं ऐड करना चाहूँगा कि वेरी सून वी आर हैविंग रोबोटिक्स ऑल्सो। नारायणा हैज बीन ग्रेसियस इनफ टू प्रोवाइड अस रोबोटिक्स नॉट ओनली फॉर जॉइंट्स बट फॉर द स्पाइन सर्जरी ऑल्सो, एंड मोर सो देर इज लॉट्स ऑफ एडवांसमेंट्स एज फार एज द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर द बियरिंग सर्फेसिज आर कंसर्न। लाइक वी यूज नाउ इट इज सेरेमिक्स से लाइफ और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, स्पेशली हिप में हम काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। घुटनों के लिए भी जो मेटल यूज़ करते हैं उसकी लाइफ काफ़ी बढ़ गई है। तो सून वी आर गोइंग टू हैव रोबोटिक्स, वी आर यूजिंग बेस्ट क्वालिटी मटेरियल इन आवर पेशेंट्स। एंड डॉक्टर मोनू से मैं एक चीज़ के बारे में और जानना चाहूँगा, सिंस ही इज वेरी अकम्प्लिश्ड आर्थ्रोस्कोपिक एंड स्पोर्ट्स इंजरी डॉक्टर ऑल्सो, सो हाउ अबाउट द शोल्डर आर्थराइटिस, इज इट रेयर और वी सी आर्थराइटिक पेशेंट लाइक वी डू चेंज joints, but how do we treat shoulder patients? Like, what are the common problems which we have? Sir, thank you so much for this very important question. बहुत common है sir, बहुत common है, shoulder arthritis बहुत common है. But जहाँ तक मैंने देखा है सारे patient population में, अगर हमारा घुटना या कूल्हा खराब है तो हमें चलने में दिक्कत होती है,
हम फिर भी डॉक्टर के पास इलाज के लिए पहुंच जाते हैं, पर अगर हमारे कंधे में दिक्कत होती है आर्थराइटिस की वजह से, हमारा कंधा कम काम करता है, दर्द रहता है, हम पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो भी मरीज बहुत टाइम लगाता है डॉक्टर के पास पहुंचने में। क्यों? क्योंकि काम चल जाता है। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग ये समझें कि कंधे की आर्थराइटिस एक ऐसी तकलीफ है जिसमें रिप्लेसमेंट की शायद ही कभी ज़रूरत पड़ती है। ये एक ऐसी तकलीफ है जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे चीरों से, तकरीबन 3 से 4 मिलीमीटर के चीरे से हम कंधे की ओवरहॉलिंग कर सकते हैं। जो हड्डी बढ़ी हुई है हम उसको साफ कर सकते हैं, जो मांसपेशी, जो टेंडन घिस रहा है हम उसको साफ करके सिल सकते हैं, जो जॉइंट है हम उसके अंदर से डेब्रीज निकाल सकते हैं, और ये सब करने से कंधा जो है काफ़ी हद तक नया हो जाता है। अब ये मान के चलिए कि जब आपकी गाड़ी सर्विसिंग के लिए जाती है और ओवरहॉलिंग होके आती है तो वो बढ़िया चलती है और लंबी चलती है। यही स्थिति कंधे के साथ है। अगर हम नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाते हैं, विटामिन सी कैल्शियम डाइट लेते हैं, अनयूजुअल दुरुपयोग नहीं करते हैं जॉइंट्स का, तो जॉइंट्स ठीक रहते हैं। पर कुछ पेशेंट्स, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स, हाइपोथायराइड पेशेंट्स, उनके अंदर ये सब करने के बावजूद भी दिक्कत ज़्यादा रहती है। ये ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको जल्दी आना चाहिए, क्योंकि इनकी तकलीफ जो है बहुत आसान तरीके से हम लोग ठीक कर सकते हैं। फिर भी कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जब हमें कंधा या कोहनी रिप्लेस करनी पड़ती है, और मैं बड़े गर्व से ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर वर्मा हैज एस्टैब्लिश्ड दिस सेंटर, इट इज़ अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये एक ऐसी संस्था का सेंटर है यहाँ पर, जहाँ पर हर किस्म का जोड़ प्रत्यारोपण हम कर रहे हैं, हर किस्म का, चाहे कंधा हो, चाहे कूल्हा हो, घुटना हो, एल्बो हो, हर जोड़ का हमारे पास यहाँ पे कैपेबिलिटी है कि हम इसको बदल पाएँ और एक्सीलेंट रिजल्ट दे पाएँ। सर से मैं एक दो चीज़ों के बारे में चाहूँगा कि आपको अवेयर कराएं। अभी डॉक्टर मोहित ने बताया नेविगेशन, सर ये नेविगेशन क्या चीज़ है? देखिए, अभी हम सारी बातें जो कर रहे हैं हम बार बार कंपैरिजन लेके गाड़ी के साथ ले आते हैं, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हम हड्डी के डॉक्टर नहीं, हम गड्डी के डॉक्टर बन गए। और ये जो इंटरनल जो मैकेनिकल डिजीज़ है, यानी कि आंतरिक यांत्रिक, इसको हम प्रॉब्लम्स कह सकते हैं शरीर की, तो सारे जो जॉइंट्स हैं ये भी एक बॉडी के पार्ट्स की तरह चलते हैं। आज हम गाड़ी चलाते हैं तो उसमें लुब्रिकेशन की बात करते हैं, सिमिलरली जॉइंट्स में हम लुब्रिकेशन की बात करते हैं। और आपने नेविगेशन की बात की, तो मेरा ये मानना है कि आज कोई भी आप गाड़ी देख लीजिए, छोटी से छोटी जो स्टार्टिंग पे भी जो गाड़ी है वो बगैर नेविगेशन के नहीं चलती है। तो मैंने तो इवन ऑटो रिक्शा, बाइक में भी देखा है लोग फ़ोन ऊपर लगा के नेविगेट करके चलते हैं। तो जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई तो विदाउट नेविगेशन हम 2 किलोमीटर भी नहीं जा सकते। तो हाउ कैन वी चेंज द सो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर ऑन बॉडी, जो जो मैकेनिकल जो डैमेज हुआ है उसकी बैलेंसिंग करना है, अलाइनमेंट करना है, कितने डिग्री कट लेना है, कितना एंगुलेशन करना है, तो ये हम नेविगेशन की मदद से करते हैं। और नेविगेशन भी 20 साल पहले डिफरेंट आता था, जो लेटेस्ट आया है वो डिफरेंट है। सो वी आर लकी टू हैव फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, वी हैड द फर्स्ट इन हरियाणा एंड गुड़गांव ऑल्सो द बेस्ट Nav3i कंप्यूटर नेविगेशन, विच इज़ अमेरिकन कंपनी, और उसको हम यूज़ कर रहे हैं। उससे जो प्रिसीजन है कट्स का, जॉइंट रिप्लेसमेंट का, वो बहुत बढ़ जाता है। नी की अलाइनमेंट ऑलमोस्ट परफेक्ट हो जाती है एंड इट मैचेज विद, हर बॉडी का अलग अलाइनमेंट होता है तो उसके हिसाब से वो अलाइनमेंट होती है। ब्लड लॉस भी कम होता है, ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी भी कम होता है, पेशेंट का रिहेबिलिटेशन फास्टर होता है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो जॉइंट की जो लाइफ है वो पहले जो 15-20 साल में ख़राब होते थे, तो अब मेरा एक्सपीरियंस अभी इतना नहीं है कंप्यूटर नेविगेशन के साथ, बट वर्ल्ड लिटरेचर ये कहती है कि डेफिनेटली अगर अच्छी नेविगेशन टेक्निक से किया जाए तो आप इजीली 10 साल इसकी लाइफ बढ़ा। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं, और रोबोटिक्स के आने से तो और भी छोटे इंसिजन से काम हो जाएगा। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि अगर काम अच्छा करना है तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। काफ़ी एक्सपेंसिव रहती है टेक्नोलॉजी, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि नारायणा हॉस्पिटल हमें हर किस्म की टेक्नोलॉजी, हर किस्म की एडवांस्ड मशीन मुहैया कराता है, सिर्फ इस कोशिश में कि जो हम इलाज कर पाएँ मरीजों का,
वो विश्व स्तरीय इलाज हो, इलाज ऐसा हो कि मरीज उसको अफोर्ड कर पाए, मरीज घबरा ना जाए इलाज से, वो खर्चा कर पाए, वो उसको अफोर्ड कर पाए और वो जो भी बढ़िया से बढ़िया पॉसिबल टेक्नोलॉजी से हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसके साथ इलाज पेशेंट का हो पाए, तभी हम बढ़िया रिजल्ट दे पाएंगे, तभी हम मरीजों को एकदम फिट कर पाएंगे। और ये मैं बहुत गर्व से कहना चाहता हूँ कि हमारी सेटिस्फैक्शन रेट 99% से ऊपर है और ये सब पॉसिबल हुआ है एक संगठित डिपार्टमेंट और अस्पताल की वजह से। तो आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पे मैं आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है, तो कृपया आप हमें अपने सवाल ईमेल करें, हमारी वेबसाइट पर जाके आप सवाल पूछ सकते हैं, हमारी पर्सनल वेबसाइट डॉक्टर राजेश वर्मा, डॉक्टर लालित, डॉक्टर मोहित एंड मायसेल्फ डॉक्टर मोनू, आप उस पर जा सकते हैं, या आप अस्पताल की वेबसाइट पर जाके हमसे संपर्क करें। अगर आपकी कोई भी तकलीफ या कोई भी क्वेरी होगी तो हम उसका तुरंत जवाब देंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।